यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर फाइंड करने हैं इलिप्स के, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड करने हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस फाइंड करने हैं, इसेंट्रिसिटी फाइंड करने हैं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई फाइंड करने हैं इलिप्स के। बट यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर ये सारी चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज हम पैराबोला में भी कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करके इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसको लिख दीजिए, फिर टू वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व वाई, टू कॉमन लिया जा सकता है, तो वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई, और ये जो बचा टेन इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो माइनस टेन, ये क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन होता तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाता, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन होता तो वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन जाता, हालांकि नहीं है बट ये टर्म हमने ऐड किया है, तो यही एडिशन राइट साइड में भी कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने प्लस वन किया है, प्लस वन, टू नाइन जो एटीन, तो प्लस एटीन, ये क्लियर। अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और ये बन जाएगा वाई प्लस थ्री का स्क्वायर, ये आ गया माइनस टेन प्लस वन, माइनस नाइन प्लस एटीन, नाइन, ये क्लियर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जानते हैं राइट साइड में वन होता है, तो यहां राइट साइड में वन लाने के लिए पूरे इक्वेशन को नाइन से डिवाइड कर दीजिए, ये क्लियर। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन नाइन, और नाइन को थ्री का स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहां पे वाई प्लस थ्री का स्क्वायर, और इस टू अपॉन नाइन को नीचे हम नाइन अपॉन टू लिख सकते हैं, और नाइन अपॉन टू को थ्री अपॉन रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू नाइन अपॉन नाइन वन। तो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली यहां पे एक्स माइनस वन के प्लेस पे कैपिटल एक्स रख दीजिए और वाई प्लस थ्री के प्लेस पे कैपिटल वाई रख दीजिए, तो ये बन गया कैपिटल एक्स का स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर अपॉन थ्री अपॉन रूट टू का स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये क्लियर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको कंपेयर करें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन से, तो ए स्क्वायर नाइन, बी स्क्वायर नाइन अपॉन टू, तो यहां से ए ये मिल गया थ्री और बी मिल गया थ्री अपॉन रूट टू, क्लियरली दिख रहा है थ्री और थ्री अपॉन रूट टू, थ्री ग्रेटर है मीन्स ए ग्रेटर देन बी, विच इज अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये क्लियर। और हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में, स्टैंडर्ड केस में जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ये बन जाएगा जीरो कॉमा जीरो, बट ये जीरो कॉमा जीरो फॉर दिस इक्वेशन है, हमें इसके लिए निकालना था। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स ये हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स प्लस वन, और स्मॉल वाई ये क्या लिख सकते हैं, कैपिटल वाई माइनस थ्री, ये क्लियर। जो क्वेश्चन दिया था यहाँ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था, ना कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो इसके लिए हमें ये सारी चीजें लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्स के प्लेस पे जीरो रखिए, तो स्मॉल एक्स ये आ जाएगा जीरो प्लस वन वन, यहाँ कैपिटल वाई के प्लेस पे जीरो रखिए तो जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, तो स्मॉल वाई आ गया माइनस थ्री। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर वन कॉमा माइनस थ्री बनेगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये बनता है टू ए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये बनता है टू बी। देखिए ए आया था थ्री, तो ये बन जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स, बी आया था थ्री अपॉन रूट टू, तो देखिए टू इंटू थ्री अपॉन रूट टू, ये रूट टू टाइम्स में कैंसिल, ये आ गया थ्री रूट टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इसेंट्रिसिटी हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी बनता है रूट ओवर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये फाइंड कर लीजिए, तो रूट ओवर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये यहां से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर मीन्स नाइन अपॉन टू अपॉन ए स्क्वायर, तो नाइन, ये बन गया रूट ओवर वन माइनस नाइन अपॉन एटीन, ये यहां से आ गया रूट ओवर एटीन माइनस नाइन नाइन अपॉन एटीन, ये टू टाइम्स में कैंसिल, रूट ओवर वन अपॉन टू वन अपॉन रूट टू, तो इसेंट्रिसिटी यहां से आ गया वन अपॉन रूट टू, ये क्लियर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये बनता है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, यहां से ये बन जाएगा प्लस माइनस ए, ए के प्लेस पे थ्री इंटू ई वन अपॉन रूट टू कॉमा जीरो, बट ये जो है कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस इक्वेशन है। यहाँ पे इसके लिए देखिए कैपिटल एक्स के प्लेस पे अगर हम प्लस माइनस थ्री अपॉन रूट टू रख दें, तो यहाँ से स्मॉल एक्स ये क्या आ जाएगा
वन प्लस माइनस थ्री अपॉन रूट टू, वन प्लस माइनस थ्री अपॉन रूट टू, और कैपिटल वाई इसके प्लेस पे जीरो रख दे तो यहां से स्मॉल वाई ये आ जाएगा जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री। तो ये जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई बन जाएगा इलिप्स का, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फोर वाई प्लस थर्टी वन इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, देन फोर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर वाई, इससे हम फोर कॉमन ले सकते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई, और ये जो थर्टी वन है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस थर्टी वन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स है, अगर हम प्लस फोर कर दे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन कर दे तो वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस फोर किया है तो राइट साइड में भी कर दीजिए, और प्लस थर्टी सिक्स भी किया है तो राइट साइड में भी प्लस थर्टी सिक्स आ जाएगा। नाउ अब ये बन गया एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ये बन गया फोर इंटू वाई प्लस थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस थर्टी वन प्लस थर्टी सिक्स, फाइव प्लस फोर नाइन, ये क्लियर। अब यहां पे वन लाने के लिए पूरे इक्वेशन को नाइन से डिवाइड कीजिए, ये क्लियर। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस फोर अपॉन नाइन इंटू वाई प्लस थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू वन, और इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन नाइन, और यहां से ये बन जाएगा वाई प्लस थ्री का स्क्वायर, और ये जो फोर अपॉन नाइन ऊपर है इसको हम नीचे नाइन अपॉन फोर लिख सकते हैं इक्वल्स टू वन, ये क्लियर। नाउ एक्स माइनस टू का स्क्वायर, नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर, देन वाई प्लस थ्री का स्क्वायर अपॉन नाइन अपॉन फोर को थ्री अपॉन टू का स्क्वायर इक्वल्स टू वन। नाउ अब अगर हम एक्स माइनस टू के प्लेस पे कैपिटल एक्स रखें और वाई प्लस थ्री के प्लेस पे कैपिटल वाई रखें तो ये चेंज हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन थ्री अपॉन टू का स्क्वायर इक्वल्स टू वन। यहाँ से ए मिल जाएगा थ्री और बी मिल जाएगा थ्री अपॉन टू, तो क्लियरली ए बड़ा है, विच इज अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और यहां से स्मॉल एक्स इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्स प्लस टू, स्मॉल वाई ये हम लिख सकते हैं कैपिटल वाई माइनस थ्री, ये क्लियर। हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में, स्टैंडर्ड केस में कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ये होता है जीरो कॉमा जीरो, बट ये है इसके लिए, इसके लिए यहाँ पे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालना होगा। तो कैपिटल एक्स की प्लेस पे जीरो रखिए तो जीरो प्लस टू टू, फिर कैपिटल वाई के प्लेस पे जीरो रखने पे जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, तो स्मॉल वाई आ गया माइनस थ्री। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर टू कॉमा माइनस थ्री बन गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में टू ए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस टू बी, तो यहां से टू ए आया था थ्री, तो ये बन जाएगा सिक्स, और टू बी बी आया था थ्री अपॉन टू, टू टू कैंसिल ये आ गया थ्री, ये क्लियर। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे बनता है रूट ओवर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसेंट्रिसिटी ये आ जाएगा रूट ओवर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये आ गया रूट ओवर वन माइनस नाइन अपॉन थर्टी सिक्स, ये आ गया थर्टी सिक्स माइनस नाइन ट्वेंटी सेवन, तो रूट ओवर ट्वेंटी सेवन अपॉन थर्टी सिक्स, रूट ट्वेंटी सेवन थ्री रूट थ्री और रूट थर्टी सिक्स सिक्स, ये टू टाइम्स में कैंसिल, इसेंट्रिसिटी आ गया रूट थ्री अपॉन टू, तो ये बन गया रूट थ्री अपॉन टू। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ये बनता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस माइनस ए, ए आया था यहाँ पे थ्री इंटू ई रूट थ्री अपॉन टू और कॉमा जीरो, ये क्लियर। तो ये जो है कोऑर्डिनेट्स इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे कैपिटल एक्स के प्लेस पे प्लस माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू रख दीजिए तो ये बन जाएगा टू प्लस माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू, और कैपिटल वाई के प्लेस पे जीरो रखिए तो जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई बन जाएगा, क्लियर।